أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل تبليغا للتيمات وخلق الأرضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ الحب والنبات وقدر الأرزاق وأقوال وأتاب على الأعمال الصالحات والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المعجزات الظاهرات الذي أحسن من نوره وجود الكائنات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه السلام والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر پہ چین ہو ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر پہ چین ہوگا کریں گے محبت اسی سے رسول جس کے دل میں حسین میرے مختلف باجود کے کرام معزز ساغیر ہے جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے گزشتہ جمعے کے اندر شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کی تھیں شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ کی ابتدائی جو چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے عرض کی تھی آج میں چاہوں گا کہ جو شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مین پوائنٹ ہیں یا جو واقعہ کا حصہ ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں اور پھر شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کی آل کے ساتھ کیا سلوک ہوا ان کے اہل خانہ کے ساتھ کیا یزید نے سلوک کیا کیا کوفہ والوں نے سلوک کیا کیا ابن زیاد نے سلوک کیا وہ آپ کے سامنے رکھو سارے واقعہ کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا علم ہو ہم ان کی مشقتوں کو ان کی تکلیفوں کو دیکھ کر اپنی زندگی میں آنے والی مشقتیں تکلیفیں ان کو برداشت کرنے کا ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو
उन जैसी कुर्बानियां तो हम नहीं दे सकते, उन जैसी तकलीफात मुशक्कतें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इम्तिहानों से नहीं गुजर सकते, लेकिन उनकी कुर्बानी को याद करके अपनी जिंदगियों में आने वाले छोटे छोटे हालात और छोटी छोटी कुर्बानियाँ और छोटी छोटी तकलीफें वो उनकी तकलीफों को याद करके आसान हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हक को सच कहने सुनने अमल करने मेरे मोहतरम वाजिबुल इकराम हजरत हुसैन की जो शख्सियत थी उनके बारे में कुछ सबसे पहले फजीलतन कोई हदीसे आपके सामने पेश करूंगा कि हजरत हुसैन का मकाम दोनों जहानों के अंदर क्या था, दुनिया के अंदर उनका मर्तबा क्या था, उनका मकाम क्या था और आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको कौन से मर्तबे पर कौन सी पोस्ट पर फाइज किया। सबसे पहली बात ये समझने वाली है कि जिसको समझने के बाद उनका मर्तबा और उनकी फजीलत हर मोमिन के हर मुसलमान के दिल के अंदर जागृत हो जाती है वो ये कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम वजहे कायनात सरवरे दो आलम सरदारे अंबिया महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ इंतहाई दर्जे का प्यार। एक दफा आप अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारक में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत हसन और हजरत हुसैन दुनिया के अंदर दो मेरी खुशबू है, दुनिया के अंदर एक मेरी खुशबू हजरत हसन है और दूसरी खुशबू हजरत हुसैन है। यानी आप अलैहिस्सलाम की इस हदीस का मतलब ये भी बयान किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके खुशबू के साथ बड़ी मुहब्बत तो आप अलैहिस्सलाम ने ये भी इरशाद फरमाया शायद ये मतलब हो सकता है कि जैसे खुशबू के साथ मुझे मुहब्बत है इसी तरह हसन और हुसैन के साथ। फिर आप अलैहिस्सलाम एक दफा आप अलैहिस्सलाम के साथ यूं हुआ कि हजरत फातिमा को ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ ले आए तो देखा कि दोनों बच्चे लाए हुए दोनों बच्चे ने हजरत हसन और हुसैन दोनों साहबजादे वो गायब हैं, हजरत फातिमा को भी नहीं पता कि बच्चे कहाँ हैं, हजरत अली को भी नहीं पता बच्चे कहाँ हैं। आप अलैहिस्सलाम बड़े परेशान अपने सहाबा को दोनों सहाबा को एक एक रास्ते के अंदर भेज दिया, एक एक तरफ भेज दिया कि जाओ मेरे बच्चों को और बजाते खुद वजहे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को साथ लेकर हजरत हसन और हजरत हुसैन के दोनों तआला को तलाश करने की गरज से ढूंढने की गरज से अपने घर से इस कदर मोहब्बत थी कि उनकी गुमशुदगी पर आप अलैहिस्सलाम भेजे उनकी गुमशुदगी पर आप अलैहिस्सलाम बेकरार हो गए। आप अलैहिस्सलाम को चैन नहीं आ रहा सुकून नहीं आ रहा अपने सहाबा को कह रहे हैं कि मेरे बेटों को ढूंढ के लाओ। इससे बढ़कर खुद वजहे कायनात महबूबे खुदा एक सहाबी रसूल को साथ लेकर खुद तलाश करने के लिए हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना शरीफ से बाहर निकले इस कदर अपने लफ्ज़े जिद्द से। तो हमें हमारे दिलों दिल के अंदर भी अहले बैत से इस कदर ही मोहब्बत होनी चाहिए क्योंकि आप अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे तो दो नसीहतें फरमाई। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरी उम्मत अगर तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहती हो तो मेरी दो नसीहतें हैं, दो मेरा पैगाम है, दो चीजों को मजबूती से पकड़ना तुम्हें हुक्म देता हूँ। अगर तुम इन दो चीजों को मजबूती से पकड़े रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। एक कुरान पाक फुरकान हमीद उसकी तिलावत करो, उस पर अमल करो, उसका तर्जमा सीखो, उसकी मुताबिक अपनी जिंदगियों को बनाओ। और दूसरी मेरी अहले बैत अगर तुम अहले बैत से मोहब्बत करोगे तो दुनिया में कभी गुमराह नहीं होगे। तो अहले बैत से मोहब्बत भी हमारे ईमान का हिस्सा है, अहले बैत से मोहब्बत भी हमारे ईमान का हिस्सा है। जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता वो मोमिन हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मेरे पुत्र भाई अहले बैत से मोहब्बत और फिर अहले बैत के अंदर
حضرت حسن اور حضرت حسین یہ سرفرست ہیں، چونکہ انہی سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل چلی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین سے بڑھ کر اہل بیت کا حقدار کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ حقدار اہل بیت کے زمانے کے حضرت حسن اور حضرت حسین۔ ویسے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک روایت میں 12 آتا ہے، ایک میں 14 آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی بیٹے تھے، اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا حضرت ابوبکر کا نام، ایک بیٹے کا نام حضرت عمر تھا۔ وہ دونوں بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کربلا کے میدان میں نشے، وہ دونوں بھی کربلا کے میدان کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شہید ہوئے۔ یہ جو لوگ صحابہ سے بوس کرتے ہیں وہ یہ اس بات کو ذکر نہیں کرتے، صرف حضرت حسین کی شہادت کو ذکر کرتے ہیں، لیکن کربلا کے میدان کے اندر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت علی کے اور بیٹے بھی شہید ہوئے، جہاں حضرت حسین کا روزہ مبارک ہے اسی روزے کے اندر دائیں سائے پر حضرت ابوبکر جو حضرت علی کے بیٹے تھے ان کی قبر بھی موجود ہے، اور بائیں سائڈ پر جو حضرت عمر جو حضرت علی کے بیٹے تھے حضرت فاطمہ سے نہیں دوسری کی سے، حضرت حسن کی قبر روزہ مبارک کے ارد گرد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بھائی جو حضرت علی کے سگے بیٹے تھے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کے اندر سے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو اور بھی بہت سے بیٹے تھے لیکن حضرت حسن اور حضرت حسین چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بدن میں سے تھے، اس لیے ان کو جو ہے اہل بیت کی شرف ملی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، یہ حضرت حسن اور حضرت حسین کا آخرت کے اعتبار سے جنت کے اعتبار سے سٹیٹس ہے، مقام ہے، دنیا کے اندر بھی وہ سردار ہیں، آخرت کے اندر جنت کے اندر بھی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حضرت حسن اور حسین سے فرمایا، اے میرے بیٹوں تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ تو یہ اہل بیت کا مقام ہے، اس مقام کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس مقام کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اور جیسے انہوں نے زندگیاں گزارنا ہمیں سکھائی ہیں، نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن سنایا ہے، آج ہم دیکھتے ہیں وہ تو تلواروں کے سائے کے نیچے قرآن پڑھتے رہے، آج میں اور آپ اپنے گربان میں دیکھیں ہمیں قرآن کھلے ہوئے کتنی دیر، ہمیں قرآن کھلے ہوئے کتنی دیر ہو گئی، ان کی زندگیاں تو ایسے قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، ایک رات کے اندر قرآن پاک مکمل کر دیتے، کئی کئی سارے بیٹھے بیٹھے پڑھ جاتے تھے، لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں قرآن کی کتنی تعریف ہے، جس قرآن کو اجاگر کرنے کے لیے آج اگر حضرت حسن حسین کو قربانی نہ دیتے تو ہم قرآن سے محروم ہیں، اس نیزوں پر چڑھے تو قرآن کا مقابلہ کرے، ہم دیکھیں کہ ہم نے کب کا قرآن کھلا ہوا ہے، اگر پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن کی کتنی سمجھ ہے، آیا ہمیں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آتا ہے یا ہم گھنٹہ لگائے ہوئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر قدر سوال ہمیں کتنی آیتوں کا ترجمہ آتا ہے، ہم ادھر ادھر کی باتیں تو بڑی کرتے ہیں کہ ختم پڑھاؤ یہ پڑھاؤ، قرآن کے ساتھ محبت کی باتیں تو بڑی کرتے ہیں کہ جس کھانے کے سامنے قرآن نہ پڑھا جائے وہ کھانا جائز نہیں ہے، جس کھانے کے کیوں نہیں پڑھتے وہ کھانے کے سامنے قرآن، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ مجھے قرآن کتنا آتا ہے، میں کتنا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے الف لام میم سے لے کر ناس تک کتنی آیتوں کا ترجمہ آتا ہے، میرے پانچ بچے ہیں، میری کتنی اولاد ہے، دو ہے، تین ہے، چار ہے، پانچ ہے، میرے اپنی اولاد کتنی کو قرآن پڑھائے، ہم یہ دیکھیں، کسی کے کوئی عمل کرنے یا نہ کرنے سے ہمیں نہیں پوچھا جائے گا، یہ بلال صاحب بیٹھے ہیں
ये नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मुझे नहीं पूछा जाएगा, ये खत्म नहीं पढ़ेंगे तो मुझे नहीं पूछा जाएगा, या मैं नहीं पढ़ूंगा तो इनको नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर ये खुद कोई अमल नहीं करेंगे तो इनसे नहीं पूछा। वो एक कबूत हमें आती है या नहीं आती, नमाज जनाजा आता या नहीं आता, और इसके अलावा जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, जो उनकी जिंदगी है, आया मुझे बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ आती है, मुझे बैतुल खला से निकलने की दुआ आती है, जो सहाबा के तरीके थे, जो अहले बैत के तरीके थे, उनसे मोहब्बत और उनसे उल्फत रखने का सबसे ज्यादा हक उसको है कि जो उनके तर्ज जिंदगी को अपनाता है, जो उनके मुताबिक जिंदगी गुजारता है। आया मुझे खाना खाने की दुआ आती है, खाने के बाद की दुआ आती है, मुझे सोने की दुआ आती है, मुझे सफर में जाने की दुआ आती है, मैं हजरत हुसैन या मैं अपने नबी के तरीके पर सोता हूँ, मैं अपने नबी के तरीके पर खाना खाता हूँ, जबकि अल्लाह को अपने नबी की एक सुन्नत दुनिया में माफी हासिल ज्यादा नहीं थी, अपने नबी का एक तरीका दुनिया में माफी हासिल ज्यादा नहीं थी। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात एक काफिर के दस्तरखान पर चली गई, उसने दावत की, एक सहाबी के खाने लगे तो उनके हाथ से लुकमा दस्तरखान पर गिर गया, दस्तरखान पर खाने का लुकमा गिर गया, तो वो उठाकर साफ करके खाने लगे। साथ वाले ने कहा कि बादशाह की मजलिस में बैठ गए, लोग बादशाह क्या समझेगा कि ये लोग जमीन से उठाकर खाने वाले। वो कहने लगा कि सहाबी कहने लगे बादशाह जो समझता है समझते समझे, मैं इस बादशाह की वजह से अपने नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। हम ये देखें कि हमारी जिंदगी के अंदर कितनी सुन्नत है, हम पांच वक्त की नमाज के पाबंद हैं या नहीं। अगर हम पांच वक्त के फर्ज के पाबंद नहीं है तो हम किसी को मुस्तहब अमल पर टोक नहीं सकते। एक बंदा पांच वक्त की नमाज खुद नहीं पढ़ता तो दूसरों को कहता है कि तू ये वाला अमल नहीं कर सकता, हालांकि वो अमल जायज नाजायज होने में इख्तलाफ है और वो मुस्तहब अमल है, ना करे तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पांच वक्त की नमाज पढ़ते नहीं और कहते ये नहीं करता। तो मेरे मुहतरम भाइयों सोचना ही है कि हजरत हुसैन हजरत हसन जैन जैद ने किस तरह में जिंदगी गुजार सकते। तो मैं अर्ज कर रहा था हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला की जिंदगी पे, आप अलैहि सलातो व सलाम के बारे में फरमाया हसन व हुसैन हुसैन का शबाब है, मेरे दोनों साहबजादे जन्नत के नौजवानों के साथ। तो उस महबूबे खुदा को, उस हजरत हसन को जो हजरत अली के जिगर है, हजरत फातिमा के दिल है, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरगोशे, आप अलैहि सलातो व सलाम के बारे में आते हैं तो फर्ज नमाज पढ़ा रहे, पहले से मैं बात अर्ज कर सकता फर्ज नमाज पढ़ा रहे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने प्यारे आका की कमर मुबारक पर आकर इतना लंबा सजदा कर दिया कि सहाबा को शक हुआ कि पता नहीं प्यारे आका सजदे से क्यों नहीं उठ रहे, कोई मसला हो गया। एक सहाबी ने गर्दन उठाकर देखा तो हजरत हुसैन प्यारे आका की कमर शरीफ पर बैठे, आप अली सलाम वसलाम अपने बच्चे की मोहब्बत से सजदा नहीं उठा, इस कदर हजरत हुसैन। एक दफा हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ ले गए, दोनों साहबजादे भूख से रो रहे बल्कि रो रहे, प्यारे आका ने पूछा है मेरी बेटी की बच्चे क्यों रो रहे, बच्चे क्यों रो रहे। हजरत फातिमा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह अब्बा जान ये भूख से लाचार हो गए, भूख की वजह से रो रहे हैं। तो आप अलैहि सलातो व सलाम ने हजरत फातिमा से कहा कि मेरे बेटे को मुझे पकड़ाओ। हजरत हसन को उठाया, अपनी जबान मुबारक हजरत हसन के मुंह में डाली, नबूवत की जबान महबूबे खुदा की जबान अतहर वो हजरत हसन के मुंह के अंदर डाली। हजरत हसन चूसते रहे चूसते रहे चूसते रहे यहां तक कि सैर हो गए। हजरत हसन को नीचे उतारा, भूखे नहीं लगे। हजरत हुसैन को उठाया और अपनी जबान मुबारक अपनी जबान अतहर प्यारे आका ने हजरत हुसैन के मुंह के अंदर डाल दी। हजरत हुसैन आप अलैहिस्सलाम की जुबान अतहर को चूसते रहे चूसते रहे यहां तक कि उनका पेट भर और फिर उनको भी चूसे। इस कदर प्यारे आका अपने दोनों लखते जिगरों से प्यार जिनको करबला के मैदान के अंदर एक को जहर दे दिया गया और एक को जो है नेजे के नोक के ऊपर सर चढ़ा। अल्लाह हमें उनकी जिंदगियों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आज हम उनके नाम की सबीले लगाते हैं,
हम लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए इसके अंदर इख्तलाफ, लेकिन करबला के मैदान के अंदर कटने का मकसद क्या था? जिस मकसद के लिए वो कट गए, उन आले तो रसूल को कुर्बान कर दिया, वो मकसद भी हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वो मकसद भी हम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हक का साथ देने के लिए हजरत हुसैन ने लड़ाई पूरे जोर पर, पूरे जोर पर लड़ाई थी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने असर की नमाज अपने चंद साथियों को कहा, तुम लड़ो, और आदों को लेकर हजरत हुसैन ने तलवारों के साये के नीचे फर्ज की नमाज पढ़ी। और उसी नमाज के अंदर रिवायात मौजूद है कि जो दुश्मन थे उनमें से जो मुसलमान थे उन्होंने भी हजरत हुसैन के पीछे नमाज, जो शहीद करने वाले थे, जो मारने वाले थे, उन्होंने भी हजरत हुसैन के पीछे नमाज। आज हम गली कूचों में बैठकर नमाजें पढ़ा देते हैं, आज हम बाजारों में बैठकर मोहल्लों में बैठकर नमाजों को पढ़ते हैं, तो अजान सुनने के बावजूद पूरी ताकत रखने के बावजूद नमाजें हमारी पता ही नहीं पढ़ा जाती। हालांकि हदीसे मुबारक के अंदर आता है क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लेना है। हजरत हुसैन को नहीं पता था कि मैं लड़ रहा हूँ, मेरा अल्लाह मुझे नमाज माफ कर देगा, मैं असर की नमाज ना पढ़ू, ये ना हो मैं नमाज पढ़ू पीछे से कोई मुझे मार दे, ये उनको डर नहीं, सारा पता। लेकिन उनको ये भी अपने प्यारे रसूल की हदीसे याद थी कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लेना है, और ये भी पता था कि एक नमाज छोड़ने वाले को 14,000 साल जहन्नम में चलना होगा, ये भी उनको पता था। आज मेरे पुत्र भाइयों दोस्तों, अहले बैत से मोहब्बत का असल तरीका यही है कि जिस मकसद के लिए उन्होंने जान दी, कुर्बानियां की, जिस मकसद को देकर उन्होंने अहले बैत को कटवाया, वो मकसद हम खुद खोजना भी है, कैसे अहले रसूल से मोहब्बत के दावेदार। मैं भी अपने गिरेबान में देखूँ, आप भी अपने गिरेबान में देखें, हम क्या कर रहे हैं? हम उनके खून की लाज रख रहे हैं या उनके खून को लाएगा जाने देकर? दरअसल ये कि मेरे पुत्र भाई पिछले जुमे अर्ज किया था कि जब लड़ाई हो रही थी हजरत हसन बिन हुसैन, बल्कि सबसे पहले मुस्लिम बिन अतीन अपने चचाजाद भाई को करबला में भेजा, करबला वालों ने पहले दो खतों खत किताबत उल्फत के भेजते रहे, मुआफकत के भेजते रहे, बाद में हजरत मुस्लिम बिन अतीन जो हजरत हुसैन के चचाजाद भाई थे उनको शहीद कर, तो जब उनकी शहादत की खबर हजरत हुसैन तक पहुंची, रास्ते में थे मदीना और मक्का और करबला के रास्ते में, जब उनकी खबर पहुंची तो हजरत हुसैन ने उस वक्त इरादा भी किया कि कूफा वाले अपनी बात से फिर गए हैं, मैं यहीं से वापस चला जाऊँ। लेकिन जो हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला के साहबजादे थे, बेटे थे, उन्होंने कहा कि ऐ चचा जान, हजरत हुसैन उनके चचा लगे, उन्होंने कहा कि ऐ चचा जान, आप अगर वापिस तशरीफ ले जाना चाहते आप चले जाए, लेकिन हम अपने बाप का खून रायगा होना चाहते, हम अपने बाप का बदला लिए बगैर नहीं जाएंगे। तो हजरत हुसैन ने कहा कि जिस तुम्हारे बाप ने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी है, मैं भी उसका खून रायगा नहीं जाने दूंगा। हजरत हुसैन फिर करबला के मैदान कूफा की तरफ बढ़े, और रास्ते के अंदर इब्ने ज़ियाद ने, इब्ने ज़ियाद जिसको यजीद ने कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा था, इब्ने ज़ियाद ने पुर को, पुर नामी एक शख्स था, उसको 10,000 का लश्कर देकर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने ला पड़ा। हजरत हुसैन ने उनको एक खुतबा दिया, उस खुतबे के अंदर जितने पुर भी, पुर के साथ जितने लोग थे सारे कूफी थे, हजरत हुसैन ने खुतबा दिया, और खुतबे के अंदर हजरत हुसैन ने तीन बैग खतों के निकाल, तीन लफाफे खतों की ताबत के उंधेले उनके सामने कि देखो ये तीन बैग भरे हुए हैं उन खतों से, ऐ कूफा वालों जी जो खत तुमने मुझे भेजे थे कि ऐ हुसैन हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारे हाथ पर बैत करेंगे, हम आले रसूल को सबसे आगे रखेंगे, आज तुम मेरे ही मुकाबले के लिए मेरा खून निकल गए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने उस वक़्त तीन ऑप्शन, तीन मामले के हल उनके सामने रखे, उनको कहा कि या तो मुझे डायरेक्ट यजीद के महल के अंदर यानी मुल्क शाम के अंदर जाने दो, मैं खुद बराए रास्त यजीद से बात करूँ, नंबर दो मुझे मुसलमानों की किसी सरहद पर छोड़ दो, मैं जाऊँ मेरा बंदा, नंबर तीन
नंबर तीन, ये जो कुफा वाले जो तो मुझे खत लिखे हैं इनकी इनको मेरे हाथों पर पैर कर। जब ये बात की हजरत हुसैन ने तो उर ने इब्ने ज़ियाद के कुफा के अंदर इब्ने ज़ियाद की महफिल के अंदर उसके हाथ खत लिखा कि हजरत हुसैन ये खत। अब इब्ने ज़ियाद बड़ा बदबخت आदमी था और उसने कहा कि उर इनके शहीद करने के लिए इनके साथ जंग करने के लिए तैयार नहीं है। इब्ने ज़ियाद ने अमर बिन साद नामी एक शख्स को 10,000 आदमी देकर मुबारक कर दिया और कहा कि उर को कहो कि तुम्हें इसके साथ लड़ाई करने की इजाज़त नहीं, अगर तुमने लड़ना है तो अमर बिन साद की क़यादत के अंदर हज़रत हुसैन से। नंबर तीन पर एक और शख्स डेढ़ महीने उनको जहाँ भी हजरत हुसैन पड़ाव डालते उनका ध्यान रखता, उनकी उनको जो है जसूसी करता, हजरत हुसैन की बातों की मोहब्बत उसके दिल में आ गई तो वो अपना सारा का सारा लश्कर लेकर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के साथ शामिल हो गया। इस तरह हजरत हुसैन के लश्कर जो है वसी हो गया। बकिया जो 20,000 आदमी थे उन्होंने अमर बिन साद ने एक और आदमी तो उसका लश्कर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के साथ मुकाबला किया। करबला के मैदान के अंदर मुकाबला हुआ। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने जंग के अंदर जब इब्तिदा की तो उन्होंने पहले इब्तिदा की हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने इब्तिदा शुरू किया। 3 दिन की लड़ाई होती, 3 दिन ये लड़ाई होती रही। आप सारे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के जो बेटे थे या हजरत हुसैन के भाई के बेटे हजरत हसन के बेटे थे, इसी तरह हजरत अली के, जैसे कि मैं शुरू में अर्ज किया कि हजरत अली के 2 बेटे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के साथ थे, उन दोनों की कब्रें आज हजरत हुसैन की कब्र के इर्द गिर्द थी गिर्द मौजूद है। एक का नाम अबू बकर है और एक का नाम उमर है। जैसा नक्शा नाना की कब्र का है ऐसा ही नक्शा नवासी की कब्र का। तो इस तरह हजरत फिर एक मौका ऐसा आया हजरत हसन के बेटे कासिम जिनका नाम हजरत हसन के बेटे हजरत कासिम जब सारे शहीद हो गए तो तलवार लेकर अपने चचा यानी हजरत हुसैन की हिफाजत करने के लिए आगे गए। हजरत हुसैन ने उनका हाथ पकड़ कर पूछा और कहा कि ऐ मेरे बेटे कासिम, तू मेरी हिफाजत के लिए आगे ना जा, तू मेरे भाई की अकलौती मेरे पास निशानी है। तो हजरत हुसैन हजरत कासिम ने अपने गले से तवीज उतारा और तवीज उतार कर कहा कि ऐ चचा जान, ये मेरे अब्बा ने मुझे पर्ची दी थी, तवीज दिया था और कहा था कि जब तेरे चचा के ऊपर हजरत हुसैन के ऊपर मुश्किल पेश आ जाए तो फिर इस तवीज को खोल कर देखना, उससे पहले कभी इस तवीज को खोलना ना। आज मैं इस तवीज को खोलने लगा हूं आपके सामने। हजरत कासिम बिन हसन ने उस तवीज को खोला और उसके अंदर हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला ने की वसीयत लिखी थी कि ऐ कासिम, जब भी तेरे चचा के ऊपर कोई मुसीबत आए तो इसकी मदद करने के लिए पीछे ना हटना बल्कि इसकी हिफाजत करने के लिए इसके आगे खड़ा हो जाना। तो फिर ये पर्ची को पढ़ते ही हजरत कासिम बिन हसन ने तलवार उठाई और अपने चचा का दिफा करते हुए मैदान करबला में जा छिपा दिया। आखिर में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला, किसी की हिम्मत नहीं होती थी हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के साथ बात करने। हजरत हुसैन तलवार लेकर जिस अब इतना बड़ा मजमा था, हजरत हुसैन जिस जानिब की रुख करते थे वो लोग पेड़ और बकरियों की तरह आगे लग कर जो है भागना शुरू किया। इस कदर हजरत हुसैन को आखिरकार एक आदमी शिमर नामी उसने हजरत हुसैन चुके 3 दिन से भी ज्यादा के प्यासे थे उस नहर के किनारे पर जाकर पानी पीने लगे। उसने 3 मैच कर हजरत हुसैन की ये पेशानी के नीचे कान के पास मारा जिसकी वजह से हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला सख्ती हुई शहीद नहीं हुए। बाद में फिर एक आदमी ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला को नेजे का वार किया जिससे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला को जान में शहादत हुई। उसके बाद आले रसूल की सारे जो है जितने भी उस वक्त शहीद लोग पड़े थे उनको वहीं छोड़ कर इब्ने ज़ियाद के पास शिमर ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला का सर मुबारक काट कर इब्ने ज़ियाद के सामने लाकर रख दिया।
और जो है और भी शुहदा के सर लाकर रखे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला को जब सर इब्न ज़ियाद के सामने गया, उसने पूरे कुफा को जो है इकट्ठा कर लिया। तो वही कुफा वाले जिन्होंने गद्दारी की थी, हजरत हुसैन को देखकर तड़पना शुरू हो गए और हजरत हुसैन को देखकर मामेला बचाना शुरू हो गए, अपने आप को पीटना शुरू हो गए, जो आज तक अपने आप को पीट रहे हैं। इब्न ज़ियाद ने आप रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुसैन की एक सोटी पकड़ी थी, उसने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की होंठ मुबारक पर लगाने लगा, जो कि सर के सामने रखा हुआ था। तो हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु पास खड़े करीब थे, खड़े हो गए और कहा, ऐ बदबख्त, इस होंठों से छली को हटा, इस होंठों से मैंने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नहीं को कुछ इस दिन किया। और फिर हजरत हुसैन के सर मुबारक को और आले रसूल की जो औरतें थी, हजरत हुसैन की और भी थी, और एक बच्चा जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा अली बिन असद, अली असद बिन हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनको यजीद की जो है मजलिस के अंदर उसके पास शाम में भेज दिया। और जब ये अहले बैत और हजरत हुसैन का सर यजीद की महफिल में गया, और यजीद भी लोगों के डर से, याद रखे कुछ लोग यजीद का दिफा करते हुए कहते हैं कि यजीद ने ये नहीं चाहा था, इब्ने ज़ियाद ने ये किया, या यजीद ने बाद में ज़बान से तो ये लफ्ज कहे थे कि अगर मैं होता तो मैं हुसैन को माफ कर देता, उसको मुसलमानों की सरहद के अंदर भेज देता, लेकिन उनको कोई यजीद लोग जो इर्द गिर्द लोग थे, वजीर थे, मुशीर थे, उनके डर से ये बात कहता था, कहीं मेरे तख्त के ऊपर बगावत शुरू ना हो जाए। लेकिन यजीद पूरा हजरत हुसैन की शहादत के अंदर कतल के अंदर मुलव्वस था। उसने फिर बड़े इनामात अहले बैत को दिए, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा की जो उनको ज़ेवरात भी दिए। गरज ये कि ये सारा का सारा काफिला तीन दिन वहाँ यजीद के पास रहा, और फिर वहीं हजरत हुसैन के सर को दफन कर दिया गया, और बच्चे को और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा जो अहले बैत थे उनको वापस मक्का शरीफ भेज दिया। जिस दिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला की शहादत हुई, उस दिन मक्का के अंदर हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला के बेटे अब्दुल्लाह बिन अब्बास को उनको ख्वाब आए। उन्होंने ख्वाब के अंदर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, प्यारे आका के हाथ के अंदर खून की एक शीशी। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने पूछा कि ऐ दादा जान, आपके हाथ में ये खून किस चीज का खून है? और फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने, ये मेरे बेटे हुसैन का खून है, इसको मैं अल्लाह के दरबार में। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मुझे उसी वक्त मालूम हो गया कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला शहीद हो गए। और फिर फरमाया कि जिस दिन हजरत हुसैन शहीद हुए, उस दिन जब सूरज तलू हुआ, दो महीने तक सूरज के जो किरने की सूरत की रोशनी थी वो गर्द अदूद रही, आसमान से जो सूरज की किरने या सूरज की रोशनी किसी दीवार पर पड़ती थी, किसी भी जगह पर जब रोशनी पड़ती थी, यूं महसूस होता था जैसे इस दीवार के ऊपर खून ही खून हो गया। अगर दरख्त पर पड़ती तो दरख्त के ऊपर खून ही खून हो जाता। ये असर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, इस तरह आसमान जमीन सब ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का गम मनाया। हमें भी उनके गम के अंदर हमारा जिस्म, हमारी दिल, हमारी जबान गमगीन होनी चाहिए। अल्लाह मुझे रहम फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा